आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 132वां जन्मोत्सव है। आज के दिन 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में, और 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में इनका निधन हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की माता का नाम भीमाबाई सकपाल और इनकी पिताजी का नाम रामजी सकपाल था, और इनकी जो अर्धांगनी पत्नी उनका नाम रमाबाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनके जन्म से ही परेशानियों को भोगा, और उनके जो उनका पढ़ाई का जो समय था उस टाइम उन्हें ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम पर बहुत राजतंत्र चलता था जिसमें उनको क्लास से बाहर ही बैठा दिया जाता था, उन्हें अंदर क्लास में बैठने का मौका नहीं दिया जाता था, और फिर भी उन्होंने बाहर ही पढ़ाई की, और उसकी पढ़ाई करते करते भारत में आज तक इतिहास गवाह है कि उनके बराबर पढ़ा लिखा व्यक्ति आज तक कोई भी नहीं है। उन्होंने 36 डिग्री प्राप्त की थी, और अमेरिका के कोलम्बिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, और वो बैरिस्टर बने। उन्हें गायकवाड़ के महाराज ने उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजा था, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वो जब भी अम्बेडकर जी पढ़ के आएंगे, डिग्री ग्रहण करके आएंगे, तो उनके शासनकाल में, उनके राजकाल में, राजपाट में सेवा देंगे। तो उन्होंने सेवा दी, लेकिन जातीय भेदभाव की वजह से उन्हें उनकी सेवा है जो कुछ समय के लिए ही दी, और उन्होंने वहाँ से सेवा छोड़ दी। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलित और पिछड़े और आदिवासियों के लिए, जो शोषित वर्ग है उनके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, और पूरा जीवन उनका जो उन्होंने लगा दिया। तो ऐसे महान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं सच्चा नमन करता हूँ, और इन्होंने भारत का संविधान है इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में दोनों हाथों से ये लिखते थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान, हमारे भारत का संविधान जो कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उसको लिखने का श्रेय हर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। इनके जो गुरुजी थे वो अम्बेडकर सरनेम अम्बेडकर लगाते थे, तो उन्होंने इनकी जो इनके टैलेंट को देख कर उन्हें अपना नाम दिया अम्बेडकर, इसलिए इनके जो सरनेम लगा हुआ है वो अम्बेडकर की वजह से है। इनका पूरा नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरा नाम भीमराव सतपाल अम्बेडकर। तो बाबा साहब भारत में ही नहीं विदेश में पूजे जाते हैं। इनकी आज भी बहुत ही भव्य प्रतिमा है जो अमेरिका के कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के बाहर आज भी टॉप 10 विद्यार्थियों में इनका नाम है, आज भी आप जाके देख सकते हैं, नेट से सर्च कर सकते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब धर्म के क्षेत्र में अगर मिलूँ तो धर्म के क्षेत्र में इन्हें जब इनको ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, और जब सारे धर्म ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया सभी धर्मों का, तो उसके बाद इन्हें महसूस हुआ कि धर्म एक सिर्फ और सिर्फ जीवन को चलाने का एक मार्ग है, जिससे उस मार्ग पर चलकर हम जीवन को परिपूर्ण और अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए इन्होंने जब इनका जन्म था वो सनातन धर्म में हुआ था, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, जिसे हम आज बौद्ध धर्म करते हैं, लेकिन वो बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म में जो रास्ता है धम्म से, यानी बौद्ध चलने का, जिसमें बौद्ध धर्म का अर्थ है मानव एक समान, कोई भेदभाव नहीं। तो आज 132वां जन्मोत्सव हम मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ। तो उन्होंने इनकी जो मैं अगर पुरस्कारों की बात करूँ तो उन्हें भारत रत्न भी इन्हें प्राप्त हुआ है, ये इनका पूरा जीवन परिचय मैं आपको बताया इसमें, और आज हम इसको बिल्कुल दीपावली की तरह बहुत अच्छा उत्साह मना रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि आप एक एक करके आए और बाबा साहब उनको फूल माला भी पहनाए हर्षोल्लास के साथ। बाबा साहब का 132वां जन्मदिन मना रहे हैं, शायद फूल माला भी है, और ये आप देख पा रहे हैं कि इसके साथ फूल अर्पित करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को पूजने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ये कहा है कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, मैं मंदिरों में या मूर्तियों में विराजमान नहीं हूँ, ना मूर्तियों में हूँ, मैं केवल कल्प, केवल और केवल मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मैं तभी जीवित हूँ, मेरी विचारधारा तभी जीवित है जब हमारा समाज शिक्षित रहेगा, संगठित रहेगा और संघर्ष करेगा, और मेरी जो ये पहल है, ये मेरा कारवा है, इसको आगे बढ़ाएगा तो ही मैं जीवित हूँ, अन्यथा मेरा मेरी विचारधारा और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो देख, तो इसी के साथ 132 जन्मदिन की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, नमो बुद्धाय, जय भीम। दारू हम बड़े चढ़ाओ, एक कप चढ़ाओ, चढ़ा चढ़ाओ, स्वामी हाथ हाथ पैरम पैरम सब हो गया सब। यस यस।